दूसरी बात, ये देश के लोगों से वोट लेना चाहते हैं। हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है तो देश के लोगों को बताएं मोदी के सामने इनका कौन सा चेहरा है, फिर देश के लोग फैसला करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अगर इनमें थोड़ी सी भी लज्जा और शर्म है तो इनको अपना चेहरा बताना पड़ेगा, लेकिन बताएंगे नहीं। ना इनके पास आज कोई चेहरा है, चरित्र तो इनका बचा ही नहीं है, इसलिए किस मुंह से ये वोट मांगेंगे मित्रों, किस मुंह से मांगेंगे? क्योंकि इनको मालूम है कि मोदी जैसा चेहरा इनके पास नहीं है। जो भी चेहरे इनके पास हैं वो घोटालों की कालिख से पुते हुए हैं और सारे जमानत पर आए हुए हैं, सारे जेल काट कर आए हुए हैं, इसलिए कोई चेहरा इनके पास जनता में ले जाने के लिए बचा नहीं है मित्रों। इसलिए देश के जनता भी जानती है कि आज इस देश में एक ही चेहरा है जिसने पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया है, भारत के खजाने को भी बचाया है, भारत की सीमाओं की भी रक्षा की है और दुनिया में भारत के सम्मान को भी बढ़ाया है। मैं सिर्फ इतना कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा मित्रों। सवाल देश का है, आप मुझे बताइए ईमानदारी से, आप किसी ऐसी बारात में गए हैं जिसमें दूल्हा ना हो? आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसमें ड्राइवर ना हो? आज इनके पास ना दूल्हा है ना गाड़ी का ड्राइवर है, और अब तो हालत ये हो गई है कि इनके पास देश में बराती भी नहीं बचा है कोई। इसलिए मित्रों सवाल देश का है, दशकों के बाद देश को एक ईमानदार और सन्यासी प्रधानमंत्री मिला है जिसने देश को आतंकवाद से भी मुक्ति दिलाई है, भ्रष्टाचार से भी मुक्ति दिलाई है और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है। मैं आज आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा पर नहीं बोलना चाहता, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 25 तारीख को ये देश के लिए आप मतदान करेंगे। इसलिए दशकों के बाद बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए भाई, बैठिए, बैठ जाइए, मत जाइए, बैठिए। तो मैं इतना कहते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं मित्रों। सैकड़ों वर्ष पहले इस देश को एक नरेंद्र मिले थे जो बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए, जिन्होंने श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था, और सैकड़ों वर्ष के बाद इस देश को एक और नरेंद्र मिला है, नरेंद्र मोदी, जो उस नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है, बिना रुके बिना थके देश को आगे बढ़ाने के लिए। मित्रों हम देश को आगे देखना चाहते हैं, हम श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत देखना चाहते हैं, इसलिए आपका जो कमल दबाएगा वो नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेगा, और नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का मतलब है भारत को मजबूत करेगा। आइए 25 तारीख को हम विकसित भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए, घोटालों से मुक्त भारत के लिए, आतंकवाद से मुक्त भारत के लिए हम कमल का बटन दबाएं, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।